गुड मॉर्निंग टू ऑल गाइस, आज मैं आपके लिए हिंदी सब्जेक्ट लेके आई हूँ, जिसमें आज मैं आपको हिंदी के अक्षर बताऊंगी। एक अक्षर लेके आई हूँ, उसके बारे में बताऊंगी। और क्या आप गैस कर सकते हो कि वो अक्षर कौन सा है? ओके, मैं आपको बताती हूँ। आज मैं आपको ढ अक्षर के बारे में बताऊंगी कि ढ कैसे लिखा जाता है और इससे रिलेटेड कौन कौन सी चीज़ें होती हैं। तो सबसे पहले शुरू करते हैं ढ अक्षर से शुरू होने वाली चीज़ों के नाम। सो ढ से ढोलक, ढोलक आप सभी जानते हो, बजता है बहुत अच्छी, इसमें से आवाज़ आती है। ढ से ढोलक, ढ से ढक्कन, ढ से ढेर। ढेर कहते हैं जब कोई भी सामान बहुत ज़्यादा एक के ऊपर एक रखा हो तो उससे ढेर कहते हैं। और ढ से ढपली, ढपली भी हम बजाते हैं। तो ये तो थे ढ से शुरू होने वाले कुछ वस्तुएं, कुछ शब्द। अब मैं आपको बताती हूँ कि ढ अक्षर हम लिखना कैसे सीखते हैं, कौन कौन से पैटर्न्स होते हैं जिससे हम ढ अक्षर लिखना सीखते हैं। चलिए मैं बनाना सिखाती हूँ आपको अक्षर ढ कि हम ढ से ढक्कन या ढ से ढपली या ढ से ढोलक कैसे लिखते हैं। ठीक है, सुनाओ, बहुत ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले हम एक छोटी सी खड़ी रेखा बनाते हैं, देन उसको जोड़ते हुए आधा गोल एंड उसको मोड़ देते हैं और ये हो गया ढ से ढक्कन। चलिए एक बार फिर से करते हैं। एक छोटी खड़ी रेखा, फिर उसको जोड़ते हुए आधा गोल एंड उसको मोड़ देते हैं, ऊपर एक आड़ी रेखा बना देते हैं, ये हो गया ढ से ढक्कन। ठीक है, आपको ऐसे ही लिखने की प्रैक्टिस करनी होगी। एक बार और देखते हैं। एक छोटी खड़ी रेखा, फिर उसको जोड़ते हुए आधा गोल और उसको मोड़ देंगे, ये हो गया ढ से ढक्कन। ये देखने में थोड़ा सा मुश्किल लगता है, बट अगर आप प्रैक्टिस करें तो बनाना बहुत ही आसान है। ठीक है, बट इसके लिए प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है और आपको जो पैटर्न्स होते हैं उसका बहुत अच्छे से ध्यान रखना होगा, और लाइन का विशेष तौर पे, क्योंकि जो हिंदी की लाइन होती है वो सिर्फ टॉप और बॉटम, मीन्स सिर्फ दो होती हैं, एक ऊपर और एक नीचे। अभी हम जो लिखते हैं हिंदी वो इन्हीं दो लाइनों के अंदर लिखते हैं। अगर आप इसके नीचे और इसके ऊपर लिखेंगे तो फिर उसको सही नहीं कहते हैं, वो आपको अपने लेखन में सुधार करना होगा। तो फिर से देखिए दो लाइनों में कैसे लिखा जाता है। एक छोटी खड़ी रेखा, फिर उससे जोड़ते हुए आधा गोल और उसको मोड़ देंगे ढ से ढक्कन। देखिए मैंने दो लाइनों का यूज़ करके छोटा छोटा ही लिखा है और उन्हीं दो लाइनों में लिखा हुआ है। अगर आप लाइंस को फॉलो करते हैं तो उससे आपका लेखन की कला में भी सुधार होता है और आपको पढ़ना भी आसान होता है। ठीक है, फिर से प्रैक्टिस करेंगे। सीधी छोटी खड़ी रेखा, देन उसे जोड़ता हुआ आधा गोल और उसे मोड़ देंगे, ये हो गया ढ से ढक्कन। आपको घर पे इसकी बहुत प्रैक्टिस करनी होगी, ढ से ढक्कन। ठीक है, अब मैं उम्मीद करती हूँ कि मैंने जो सिखाया है अभी उसको आप करेंगे, अपने मम्मी पापा से बोल के प्रैक्टिस करेंगे ताकि आप जल्दी से जल्दी इसको लिखना सीख जाएं। और उसके बाद रिटन पोर्शन के बाद मैं आपके लिए जो वर्कशीट लाई हूँ उसको ध्यान से देखिए कि उसको कैसे करना है, और उसकी प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। तो रिटन पोर्शन अच्छे से समझने के बाद आप इस वर्कशीट को देखिए। इसमें मैंने डॉट्स के थ्रू बिंदुओं की सहायता से ढ अक्षर को बनाया हुआ है। आपको इसको ट्रेस करना है और जब आप ट्रेस करना सीख जाएंगे तो आपको अलग से कॉपी पे अपने आप उसको लिखने की प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, चलिए दूसरी वर्कशीट देख लेते हैं। इसमें मैं कलरफुल वर्कशीट आपके लिए लाई हूँ, ढ से ढोलक बनाया हुआ है।
ऊपर मैंने ढोलक सिर्फ ब्लैक एंड व्हाइट बनाया हुआ है, आपको उसमें ब्राउन कलर करना है, ठीक है? तो ढौसे ढोलक। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, और अगर आप घर पे इसका बार बार प्रयास करेंगे तो आप हिंदी के सारे अक्षर लिखना बहुत आसानी से सीख जाएंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, कल फिर मैं आपसे मिलती हूँ किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए